गोद इसको गोद लिया था मम्मी ने, मुझे पता है। हाँ, नाना मंडी साहब के उधर। मित्रों आइए, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है। मिलिए मेरा पानी का टाका से। ये हमारा सिंटेक्स की टाकी है और ये दिखाने का था, ये तुलसी जी का बेस। देखिए ओ भाई किधर गए, देखो कहाँ उगे हैं एकदम। वो क्या बोलते हैं गुजराती में, थ्राबा या ये टाइल्स, टाइल्स के उधर उधर से ही उगे हैं ये। फिर उधर पानी पहुँचते पहुँचते इतने बड़े हो गए। तो तुलसी माता थैंक यू आपको बहुत। दोस्तों आपका क्या हाल है ये बताइए। बहुत अच्छी धूप निकली है तो मुझे लगा कि थोड़ा सनशाइन में व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और इधर चाय बनी है, देखिए ब्यूटीफुल चाय है और बन रहा है पुडला। गुड मॉर्निंग मित्र, तुझे आज पीलिया हो गया है, मतलब येलो अच्छी दिख रही है यार, ऐसा क्या कोई नहीं, पीलिया किसको बोलते हैं कि मैंने ये येलो ड्रेस तो पहना हो, साथ में इतनी बड़ी येलो चूड़िया पहनी हो है, तो फिर मैंने येलो मेकअप किया हो, इतनी बड़ी बड़ी मैंने येलो कलर की इयररिंग्स पहनी हो, वॉच भी मेरी येलो हो, तो उसको पीलिया बोलते हैं। ओहो तो बस वो दो चार चीजें ही बाकी है ना, सारी चीजें बाकी। यहाँ पर बेटर है और क्या बात पड़ी है, आज दो पुडला में ज्यादा खाऊंगा, मेरे को ज्यादा भूख लगी है। कल रात को भी ओवर ईटिंग हो गया था दोस्तों, तो फिर मुश्किल से ऐसा आड़ा टेढ़ा होके सो पाए थे। और अभी मम्मी और बहन फ्रेश हो रही है। बात यह है कि बहन के दोनों जो इवेंट थे उसका तो फुटेज में डालना ही भूल जा रहा हूँ, तो आज मैं नहीं भूल रहा हूँ दोस्तों। मैं अभी डाल देता हूँ, तब तक वो लोग फ्रेश हो जाते हैं। आप वो थोड़ा क्या था वो वर्ल्ड आर्ट एग्जीबिशन ऐसा कुछ था। और इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंग थी ना, है? उसमें इतनी मस्त मस्त पेंटिंग थी ना, है? तेरे को लेनी थी या डेढ़ डेढ़ मिलियन की पेंटिंग दी दो, तो अभी इसमें लेके क्या करेंगे, डेढ़ मिलियन में इधर दो घर आ जाए। मैं आपको ऐसे मस्त बना के दूंगी, ठीक है? वाओ, फिर बेचेंगे, उसकी हराजी करेंगे, करोड़ों लाखों मिलियन बिलियन में बेचेंगे दोस्तों। अगर आपको खरीदनी है तो आप मुझे बोलिएगा, मैं बना दूंगी, ठीक है? पहले पुडला तो बना, इधर जल जाएगा तो दोस्तों वो उसका दूसरा इवेंट था उधर अटलांटिस में, और पहला इवेंट था उसका वो ट्रेड सेंटर अरिना में, तो वो डाल देते हैं। मेरा जो बाकी का काम था वो भी मैंने कर लिया, तो अभी मैं थोड़ी फ्री हो गई हूँ। तो आज सुबह भी है, मतलब शाम को ये काम नहीं हो सकता, तो मेरे हाथ में ये आ गया है, फिर से ऐसे आ गया है। और ये मैं शुरू कर दूंगी क्योंकि तुलसी जी के मांजर ना फिर से लाइक टच वुड बहुत बढ़ जाते हैं, मस्त ग्रो हो जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या कैसा है। और वहाँ पे देखिए कुकड़ा भी कुकड़े कुक करा जा रहा है, तो आई विल शो यू, वेट।
देखिए इसका ग्रोथ ना बहुत सारा हो गया है, तो अभी इनको थोड़ा हेयर कट करेंगे। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये पूरा, और पीछे जो बड़ा दिख रहा है वो वाला वहाँ भी है। सो लेट्स डू दिस। और दोस्तों ये काम करने में मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि ये जब से मशीन आया ना तब से इतना इजी हो गया है। पहले मैं और मम्मी, जब भाभी इधर नहीं थी, उनकी शादी नहीं हुई थी, वो इधर आई नहीं थी, तो मैं और मम्मी ना पूरा ऐसे एक एक कैंची लेके एक एक मांजर को ऐसे कट करते थे, तो उसमें कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता था अच्छा खासा। बट अभी ये मशीन आ गया है तो नाउ इट इज़ सो ईजी, तो हो जाता है। मतलब ज़्यादा नहीं, फिर भी लाइक 15-20-25 मिनट लगते हैं, बट बहुत इजी हो गया है। देखिए ये मुगटधारी इंसान को ये किधर से बनवाया है मुगट आपने? ये मैंने खुद ही बनाया हुआ, ओन क्रिएशन है। तो आप इसके ऑर्डर लेते हो या फिर बल्क में बनाते हो? ये सिर्फ पर्सनल वो के लिए है, ये ऐसे प्रोफेशनल बिजनेस के लिए मैंने नहीं बनाया हुआ। अच्छा, तो घर के लोगों के लिए बना दूंगे, एक डैडी के लिए हेलो डैडी, एक मम्मी के लिए और मेरे लिए। चलो लखन को हम नहीं देंगे, कोई बात नहीं, इतना काम मुझसे नहीं हो पाता, सो आई विल नॉट डू इट। एनीवे मैं यहाँ वो मांजर कट किए थे ना, तो बहुत गर्मी हो गई थी, तो इसलिए मैं नहा के आई हूँ अभी एंड बैठी हूँ ऐसे ही। ऐसे चिल मोड चल रहा है। डैडी कैसे हो आप? एकदम बढ़िया है। यस मम्मी आप कैसे हो? सपना नहीं हो। हाँ बेन, मम्मी को एक बढ़िया सा सपना आया था, ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड वाला सपना आया था। अभी मम्मी के मुंह से ही सुनते हैं। इनका हर बार सपना ना कुछ उलट पुलट ही होता है। कौन सी घटना घट गई थी वो बताइए मम्मी। एक तो 1-1.5 कलाक नींद रहती है मुझे। yes. उसमें भी ऐसा सपना आता है। मैं स्कूटर लेके जा रही थी, पीछे छोटा लखन छोटा और मैं ऐसे भाग रही थी और आंखें मेरी नहीं खुल रही थी। अच्छा, तो मुझे लगा कि साइड में स्कूटर रख के ना थोड़ी देर नेप ले लेती मम्मी। मम्मी को पावर नेप लेना था बेन, पावर नेप रोड पे ऐसे ही स्कूटर पे। हाँ तो नेप ले लिया ना, फिर भी नींद तो नहीं जा रही थी, फिर भी मैंने सोचा चलो चलाती हूँ। पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ निकल गई, घर ही नहीं मिल रहा था। वहाँ जाके एक जगह स्टॉप किया तो सामने बड़े सी स्टीमर बेन स्टीमर रस्ते रस्ते में से स्टीमर स्टीमर शिप नेक्स्ट। फिर मुझे लगा कि चलो इधर से कैसे निकाल के जाती हूँ, कैसे निकाल के इधर से। थोड़ी देर में मैंने देखा तो मेरा स्कूटर में ना पेडल था ना हैंडल था और एकदम साइकिल जैसा। यानी कि जो बॉडी होती है ना वही सिर्फ बची थी, हड्डी आई सिर्फ। ऐसा हो गया था। मैंने सोचा कैसे भी घर तो पहुंचना ही है, लखन को बोला तू ऐसे कस के पकड़ ले, जाते हैं चलाए। कहां गई ऐसे भागी भागी ना सीधी दरिया। रेत के रेगिस्तान में से सीधी समंदर में। ये डोमेस्टिक वायलेंस नहीं। लेकिन मम्मी का सपना ही ऐसा है कि नहीं करते हुए भी ऐसा हो जाता है। पानी में तैरते मैंने फिर वो साइकिल जो मैंने उसको छोड़ दिया, लखन को पकड़ लिया। थैंक यू आपने छोड़ दिया, वरना भी पानी में भी चलते रहते हैं। तो कुछ ऐसा सपना आया और भी बहुत लंबा है, लगभग आधा घंटा हो जाएगा। तो ऐसा सपना आके मेरी नींद खुल गई। अच्छा मम्मी का सोना बंद। दोस्तों सोना बंद। इतने का टाइम उसको चश्मा नहीं पहनना देना। चश्मा पहन के सो जाती है। अरे दरिया में तैर के लखन को लेके बाहर निकली। हाँ दोस्तों आगे की स्टोरी में बताती हूँ कि इतना लंबा सपना चला कि मम्मी दरिये में से रेत में गई, रेत में से रस्ते पे गई, रस्ते पे एक बड़ा सा घर था, उधर उसका वास्तु पूजन, वो रांदल जी तैरते हैं, तो वो सब उधर सब लोग खाना खा रहे थे, उधर भी मम्मी गए और उधर से
प्रज्ञावासी और उन सभी को लेके वो वापस से रेगिस्तान में चले गए थे। फिर वापस से वो किसी गांव में चले गए थे, उधर जो छोटे छोटे रास्ते होते हैं ना, जिसको हम केड़िया बोलते हैं, उसमें से जाते जाते वो पता नहीं किधर चली गई और फिर इतना लंबा सपना चला कि फिर मम्मी उठ ही गए, है ना मम्मी? नहीं 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 नहीं, ये सारे सपने के दरमियान हम लोग सुकून से सोए थे। यस, कोई नहीं था, मैं लखन और फिर मासी जी। मासी का क्या इसमें वाक था वो बताइए। हाय केम छो मित्रो, यहाँ पे हमारे रमेश भाई, वो भाई श्री सब ये कर रहे हैं और यहाँ खाना रेडी है। मैं वापस आ गया और मामा अभी फ्रेश हो रहे हैं और मिलिए, देखो आज जगह चेंज हो गई। मैंने खा लिया, हाँ, क्योंकि पिताजी ने आज भी खा लिया थोड़ा जल्दी, आजकल अर्ली ड्यूटी चल रहा है डैडी का। होता है ना, तो ये जो है ना वो घर के हेड की जगह होती है। आप घर के हेड हो गए हैं। आज मैं हेड हो गई। तो चाय है दोस्तों, आलू मटर का फूल तीखा सब्जी है और राइस है, इसमें दाल है और वो खाली प्लेटें हैं जिसको सिर्फ भरने की दे। देखो केम जा, वो मुझे भी है। तू किधर घूम गई है तो बता। मैं अपनी दोस्त के घर गई थी, उसका बर्थडे था, बड़े तो अभी ये मत बोलना कि मेरे लिए केक या चॉकलेट लेके आए हैं कि नहीं, नहीं।, नहीं। मैं परसों लेके आई थी, मैंने दी भी थी, इतनी सारी मैं चॉकलेट लाई थी, तो अभी यू कैन नॉट कम्प्लेन। और तो उसमें से बेन ना हम सबके लिए एक एक लेके आए थे, भी एक आ गया। वो पिताजी सो गए थे तो फिर मैं बोला अभी तो वो तो कल की बात हो गई, तो आज खत्म ही कर डालते हैं। तो अभी फिर तू फिर से चॉकलेट लेके आना, डैडी को मिली नहीं है। लेके आना, नहीं सिर्फ डैडी के लिए लेके आना, ठीक है? ओनली ओनली, कोई बात नहीं, मैं लाऊंगा दोस्तों, डबल लेके आऊंगा, मेरे लिए ट्रिपल लेके आऊंगा और इन सबके लिए एक एक लेके आऊंगा। कल ना बेनी ये बोल रहे थे कि हाँ मैं सबके लिए चॉकलेट लेके आई हूँ, तो फिर लखन ने बोला कि नहीं मेरे लिए दो चॉकलेट लेके आना, तो फिर हमने बोला कि ऐसे कैसे हम भी रह जाएंगे, तो फिर बोला कि चलो सबके लिए दो लेके आना, मेरे लिए तीन। अरे भाई क्या चल रहा है। तो आइए दोस्तों ये देखते देखते अभी डिनर टाइम। वाह सुपर डिनर, तीखा एकदम। और अभी वो अवनी और बहन उधर ठाम उठक रही मतलब बर्तन कर रही है। तो फिर अभी है ना, ये देखो मैं तीन चश्मे लेके आया हूँ, तो मैं हो कहीं केता नहीं मने, मामा मेरे को देख रहे हैं। ये देखो ऐसे पहन के मैं उनके पास, ये ब्लू नहीं दिख रहा है, ब्लू देखा है ना? नहीं देखा। अरे यार देखो सिखा रही है, मुझे सिखा रही है ऐसे काम। हाँ नहीं ऊंधा नहीं, हाँ ये ऊंधा पड़ी जाए पास जी, है ना, ये मैं उनको दिखाने जा रहा हूँ ऐसे। कैसा लग रहा और दार हीरो क्यों था तुम्हें नाश्तो करा में भाई वो रील किन किन ने देखा दोस्तों, आप कमेंट कीजिए। अरे यार अरे मैं तुझे दिखाने आ रहा था कैसा लग रहा हूँ, देख तू मेरे साथ आ इधर कैमरा में, आ इधर आ, देख पाचिया भी ना आया तेरा मेरे साथ। वो ये है वाला रील किन किन ने देखा है दोस्तों, आप कमेंट कीजिए, अगर फिर किसी ने नहीं देखा तो कल डाल देते हैं उसमें, वो तो सुपर है। तो मामा ने पकड़ लिया है एकदम, और तू कुछ है तेरे मन में तो बता दे, फिर ऐसे मत देखा। ये क्या चल रहा है, हीरो सू देख ले, कौन सी पिक्चर का हीरो, ऐसे कौन पिक्चर बनाता है? सोच में पड़ गई कि वाकई में ये मेरा भाई है। इसको गोद लिया था, मुझे सिखा रहे थे कि कैसे चश्मा पहनना है। नहीं नहीं, इनको गोद, इसको गोद लिया था मम्मी ने, मुझे पता है। और नाना मंडी साहब के उधर ना बदल लिया था लड़का, मुझे पता है। तो तू ये मेरा DNA चेक नहीं करवाया क्या तूने? नहीं अभी करवाना चाहती हूँ। रगों में दिनेश भाई थानकी और अंजना बेन थानकी खून दौड़े और ऐसा भर भर के दौड़े। अरे आज होने तो दिनेश भाई ने अंजना बेन थानकी के करना ना। तो दिनेश भाई सो गए ना, इसलिए तो दतिंग कर रहा हूँ ना, तो कल व्लॉग में देख के बोलेंगे कि
कुछ ज्यादा कर दिया तूने, अभी पवनी को दिखाते हैं तुम्हारा वो बेगू है तू कितनी बार बोले यार क्या तू एक बोल दार हम बोल 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 करवा तू वो तो ना कौन तू 5 मिनट ही ना बोले हो बोल आ के તમે કયો હું બોલવાનું કે કઈ પંતારી દે સીધું મૂસો બોલા લખન જેવો જોરદાર કોઈ છોકરો નથી પછી તારે બોલ્યા રાખો તારા વખાણ કર્યા પણ પછી હું તને 2 મિનિટમાં બંધ કરાવી દઉં બોલતો મેરે જૈસા આદમી સુ દુનિયા મેં પેદા નહીં હુઆ દોસ્તો ત્રિકાળ જ્ઞાની બાર કાળ જ્ઞાની हाथ भी पकड़ कर रखा बोल अरे भाई तू बोल क्यों नहीं रहा है अरे भाई बोल अभी मैं खा लेता हूँ तब तक कट कर मुश्किल से वो मिठाई खत्म किया अभी अवनी के बारे में अवनी को दिखाते हैं क्या ज्यादा कर रहा हूँ उसके पास शब्द नहीं मिल रहे देखो दोस्तों इतना खूबसूरत लग रहा हूँ किसी सर्कस में किसी को ऐसे धक्के मार के निकाल नहीं दिया वैसा जाओ अभी कोई जरूरत नहीं है निकल जाओ भड़क गई लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज वेरी रियल अभी तो तू देख कल तेरे ससुर जी तेरे सासू मां अब देखेंगे ससुर जी मेरे टीम में है वो उनको मालूम है नहीं हर बार ना डैडी को ऐसा लखन पटा ही लेते हैं कोई ना कोई बात में ऐसे ऐसे जो कि मेरी मम्मी भी पढ़ते थे जब भी फोन करती हूँ ना कुमार से करे चाप तो है ना वो तो साइड में और फिर कुमार से बात करके वो लोग फोन रख देते इनको भूल जाते टीम वन तो अभी मैं ये चश्मे सोच रहा हूँ कि ऐसे ही पहनू रोज ऐसे ही आप पहन के घूमेंगे ऐसे ही पहन के रेस्टोरेंट जाएंगे ऐसे बने कल घूमने नहीं जब मैं तेरे साथ रहूंगा ना ऐसे ही रहूंगा नहीं लखन कुछ पहनता है तो वो फैशन हो जाती है इतना भी नहीं यार बेन माँ तो माँ हो बेन आप मेरे साथ रहोगे नहीं नहीं मामा ज्यादा अभी बस भाई अभी मुझे क्या मास्टर जो तो आप पकड़ो तो आई मीन तो पकड़ो तू ये निकाल क्या ये तो ये पकड़ तो और एक मिनट सही काम नहीं किया तो पूरे दिन की पगार नहीं मिलेगी आज गाडू मारू क्या ले जा काई ना जा देखिए दोस्तों पूरा सीन देखिए बहुत मस्ती कर लिया तूने काई ना जानू रे अबे कोई सुन नहीं रहा दोनों गाते हैं हरी तू गाडू मारू क्या ले जा काई ना आज का अभी ये गेम यही खत्म हुआ तो ससुर जी अगर आप देख रहे तो बुरा मत मानना मैं उनकी खींचने के लिए ये किया था और अभी मम्मी ने देखो स्थान ग्रहण कर लिया मोटा पाए मतलब जोर शोरों से उनका स्थान ग्रहण हो गया है क्वेश्चन है गाडू तो ठीक पर बढ़त कौन जी नहीं उससे याद है कल डैड आए अचानक से
करके हेलो गाइस एंड बुल्स डैड भी खींच रहे थे ना सबकी हमको मटर बोल दिया है। आज बर्थडे है करण भाई का जो बताया हुआ उनकी मम्मी स्मिता बेन पंड्या ने जो कि पुणे से है। हैप्पी बर्थडे। और एक मैरिज एनिवर्सरी भी है दोस्तों उर्मी बेन की 23rd मैरिज एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी करण भाई और उर्मी मैम, आप लोग प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बन जाओ इंडिया के, ऐसी हमारी शुभेच्छा और मौज करो। तब फिर दोस्तों पिताजी तो सो गए, अभी वो तो ड्रीम्स भी देखने लगे होंगे, तो फिर अभी हम भी सो जाएंगे थोड़ी देर में, थोड़ा मास्टर शेफ देख के। तो फिर आज के लिए इतना ही, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मौज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद।